देखिए सबसे पहले तो मैं आप लोगों को पहले नियंत्रण दिन आपको ब्रीफ किया आज 2-10 को ग्यारह धनबाद कमल किशोर सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरे धनबाद रेल मंडल में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के निमित्त आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी दी। साथ ही बताया कि गांधी जयंती पर स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा का समापन किया गया, साथ ही स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई जो कि 15 अक्टूबर तक चलेगी। इस दौरान स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा और विभिन्न एक्टिविटियां होंगे। उन्होंने बताया कि स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के तहत चलाए गए RRR यानी रिसाइकल रीयूज और रिड्यूस की महत्ता पर प्रकाश डाला जाएगा। देखिए सबसे पहले तो मैं आप लोगों स्वच्छता ही सेवा इसका समापन है जो कि हमारा स्टार्ट हुआ था 17 सितंबर को और करीब करीब टोटल 16 दिन है जिसमें हम 2-10 को इसको समाप्त कर रहे हैं और आज से स्वच्छता पखवाड़ा चालू हो गया है जो 1 अक्टूबर से चालू हो गया है और ये जगह 15 अक्टूबर है उसमें डिफरेंट ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। इसमें जो स्वच्छता ही सेवा है पहले हम इसका समापन है तो उसमें हमें तीन चार तरह के प्रोग्राम है तो पहला उसके जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट है स्वच्छता की में भागीदारी। स्वच्छता एक के लिए नहीं है, सबको भागीदारी में सबको एक साथ मिलकर स्वच्छता अचीव करनी है। इसके लिए जागरूकता अभियान चलाया गया है, प्रोग्राम चलाया गया है उसमें जो एक कॉन्सेप्ट है RRR रिड्यूस रीयूज एंड रिसाइकल। किसी भी चीज का यूज कम करिए, उस चीज को बार बार यूज करिए और जब नहीं यूज करने लायक हो तो उसको रिसाइकल करिए। आप इसको प्लास्टिक से देख सकते हैं बट ये सब चीज के लिए भी है। आप फूड ग्रेड में देखना चाहें यूज करिए, जो खाना बच गया है तो यूज करिए और खाना खराब हो जाए तो खाद के रूप में रिसाइकल करिए। आप किसी भी चीज़ में उनके देखो रिसोर्सेज वर्ल्ड में इस समय लिमिटेड है, रिसोर्सेज का प्रॉब्लम हो रहा है। हम यही बोल सकते हैं कि आप पुरानी सभ्यता की तरह अपना जीवन व्यतीत करिए, आपका जो डेवलपमेंट है उसके हिसाब से जीवन व्यतीत करिए बट जो कॉन्सेप्ट है रिड्यूस करिए, रिसोर्सेज यूज करना, रिड्यूस एंड रिसाइकल। सेकेंड जो हमारा जो था उसमें था सफाई में स्वच्छता से जो कि बताया गया कि सफाई कर्मी हमारे उनको हेल्थ चेकअप द्वारा उनका क्या क्या उसमें जो हेल्थ में इश्यूज हैं वो बता देंगे। जनरली हेल्थ के इशू 30 के एज तक कम होते हैं बट 30 से 50 के बीच में ऐसा है कि डिफरेंट हेल्थ इशू जो लॉन्ग टर्म हेल्थ इशू है जैसे डायबिटीज है, बीपी है, हार्ट रिलेटेड है, कुपोषण है, डिफरेंट टाइप के जो सिगरेट का या बीड़ी का ज़्यादा उपयोग करने जाते हैं, तमाम ज़्यादा खाने जाते हैं उसके जो स्वभाव है उससे आपको बताया जाए। आपने जो हम पीटी किट देते हैं या ड्रॉप होते हैं वो यूज नहीं करना चाहते जो बिल्कुल अनकम्फर्टेबल होता है तो उसमें बताया कि ये आपकी सुरक्षा के लिए जरूरत है तो समझाने के लिए। तीसरा है एक कॉन्सेप्ट आया सिटी वर्ल्ड क्लीनलीनेस टारगेट मिलना है। एक कोई टारगेट पकड़ लिया कि ये टारगेट है जिसे इसका कोना पकड़ लिया है, अब इस कोने को साफ करना है और साफ करने के बाद उसको मेंटेन करना है ये साथ में यूज हुआ है तो हम लोगों ने क्लीनलीनेस टारगेट मिलना बनाए बनाए थे और उसमें हम लोगों ने काम किया और जो फाइनल आया है जो आज का जगह है स्वच्छ भारत दिवस इसमें हम लोगों ने सेलिब्रेट करते हैं। जो बच्चे हैं बेसिकली अब कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप लोग बच्चों की किताबें पढ़ रहे हैं कि डिजास्टर मैनेजमेंट हो या स्वच्छता हो या कोई भी हो बच्चों को एजुकेट बचपन में करो तो वो विभिन्न नागरिक बाद में ज़्यादा अच्छे बनेंगे और उसको एडुकेटी एज पार्ट ऑफ लाइफ देंगे। तो उस तरह से उसके अंदर हमने काफ़ी मेहनत की है और ड्राइंग कॉम्पिटिशन और ऐसे कॉम्पिटिशन साथ कर किस
लोग अपने पूजा की सारी सामग्री एक बोरे में पैक करके प्लास्टिक के बोरे में पैक करके और अच्छे सील करके डाल देते हैं। अब वो दिन गए जब पूरे धनबाद शहर में 10 प्लास्टिक के बैग बोले गए तो आपने काफी यूज किया और रिसाइकिल करने के लिए रिसाइकिल नहीं करके आपने दान कर दिया तो ठीक है तो हमारे हमारे वाटर बॉडी की ले लिया। अगर आपको पप्पू तालाब में गया होगा तो पप्पू तालाब की इसमें दो पार्ट है, एक पार्ट जो धनबाद जो लोग उसको यूज और मिस यूज कर रहे हैं जैसे जल्दबाजी कर रहे हैं लोग उसमें नहा रहे हैं तो आपको साबुन का यूज नहीं करना है। देन आपके जो घर की जो बाकी चीजें हैं वो भी सूख लेते हैं। वो जो पुराना कॉन्सेप्ट था कि नदियां सूखी थी और वाटर सूखी थे और पॉपुलेशन कम थी उसमें भी कुछ हद तक ये छूट जाती थी। मतलब बेसिकली कॉन्सेप्ट ये था पहले